ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज सीधी बहस है कि आखिर वो कौन सी हठधर्मिता है जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां इलाज के लिए तरस रही हैं? आखिर वो कौन सी हठधर्मिता है जिसकी वजह से लोगों की सांसें टूट रही हैं? आखिर वो कौन सी हठधर्मिता है जो चिकित्सा व्यवस्था को बार बार बेपटरी करती है? वो कौन सी हठधर्मिता है जिसकी वजह से चिकित्सा महकमा कभी राहत की सांस नहीं ले पाता? बिग फाइट प्रोग्राम के शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, और सवाल ये था कि क्या डॉक्टर्स की हड़ताल पर कानूनी रूप से रोक लगनी चाहिए। फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट पर हमने रिएक्शन मांगी थी, और रिएक्शन क्या कुछ कह रही है। 85% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो परेशान है, वो इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यकीनन इस पर रोक लगनी चाहिए, और 15% लोगों में वो शामिल है जो कहते हैं कि नहीं भी, और उनको जानकारी भी नहीं है। भाकर जी, कम से कम जनता का दर्द नहीं समझ में आता तो जनता का रुझान ही समझ लीजिए। रेशमा को कठोरता से लागू कर दीजिए, 2-4-10 अंदर जाएंगे तो अपने आप भूमिगत से बाहर आएंगे। देखिए, सरकार आज एक और, अभी मैंने जैसा आपको पहले भी फरमाया, वो एक आखिरी विकल्प के रूप में तलाश करती है। आज के अभी वापस एक अब बातचीत का दौर जारी है, हम उनको अरेस्ट कर लें। आप सोचिए क्या ये जस्टिफाई है? मेरे पास ये जानकारी नहीं है, जरा बताइए ना। आपने कहा कि भूमिगत है सब, अध्यक्ष जो है, सचिव जो है, संयोजक जो है, वो मंत्री साहब के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। की बात नहीं, आप सुनिए मेरी बात तो सुनिए जरा। जब बातचीत होती है तो जो भी भूमिगत है या नहीं, वो बड़ी नल एंड वॉइड वाली बात हो जाती है। चूंकि उनसे बातचीत करनी है तो आपको बुलाना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि उनको बुलाया, बात रेशमा कानून हो चुका है राजस्थान के अंदर। ठीक है अजीत जी, अजीत जी सर, मुद्दा क्या अभी तक भी कांग्रेस में यही उलझा हुआ है? अजीत जी निकल सकता है, ठीक है, ठीक है सर। हम भी उम्मीद करते हैं कि वाकई में ये मुद्दा सुलझ जाए और जनता को राहत मिले, और कम से कम राजस्थान के अंदर चिकित्सा व्यवस्था उस वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे ना रहे। जी बिल्कुल, मतलब आप कहते हैं कि सशक्त है जमीन पर, वो नहीं चाहिए सर। सरकार आपके सामने एक बहुत ही सकारात्मक और एक बहुत ही सुखद परिणाम लेकर के सामने आएगी, जो जनता के हित में भी होगा, डॉक्टर्स के हित में होगा, सरकार आप में और हम सबके हित। ठीक है सर, आपका नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं कम से कम उन 5 लोगों को श्रद्धांजलि जरूर दूंगा कि कम से कम आपके मौतों से सरकार और चिकित्सा विभाग दोनों कम से कम मानने के लिए तैयार तो हुए। ठीक है सर, अजीत जी, सर क्या कांग्रेस अभी इसी में उलझी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या जनता के मुद्दों के बीच भी वो उलझना चाहती है? नहीं नहीं, हमने जब भी मुद्दे, जनता के मुद्दे, सार्थक मुद्दों की बात आई है, हमने हमेशा बहुत प्रभावी तरीके से उनको उठाया है। जहां तक सेवारत चिकित्सकों की, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दिन में किसी भी कांग्रेस के नेता ने इस्तीफा नहीं मांगा। मेरी बात सुनिए, इस्तीफा मांगना विकल्प नहीं है। ये कह सकते हैं कि रेशमा अंतिम विकल्प है, मैं कहता हूं रेशमा अंतिम विकल्प नहीं हो सकता। सरकार और कर्मचारियों के बीच में पहला और आखिरी विकल्प सिर्फ बातचीत ही हो सकता है। बातचीत के जरिए ही कोई आप समस्या, ठीक है, यानी कि आप इस चीज पर सहमति हैं कि चिकित्सा मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं सरकार, क्योंकि वो बातचीत ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा सर। उस सकारात्मक तरीके से सही लाइन पर बातचीत हो कर रही है। अब ये कांग्रेस तय करे सर, बीजेपी सरकार में देखिए, अध्यक्ष किसी भी एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के बिना क्या समझौता संभव है? लिखित समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं सर, लेकिन वो अध्यक्ष और महासचिव अगर वहां होंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? आज भी तो वो टेबल पर हैं। आज मैं कहता हूं, आप उनकी मुख्य मांगे मान लीजिए, मुख्य मांगे डॉक्टर्स की वेतन भत्तों से संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं हो सकता, सभी के लिए मुद्दा है अस्पतालों का। लेकिन जरा बताइए ना, मैंने एक सवाल बहुत बेसिक किया है आपसे, बताइए ना कांग्रेस क्यों इस्तीफे की मांग नहीं कर रही, नैतिकता की राजनीति कर रही? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आदर्श राजनीति कर रही बिल्कुल नहीं। ये क्या इस्तीफा होना, सड़कों पर जाकर व्यवस्थाएं क्यों नहीं देख रहे हैं सर? विजेंद्र, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछली बार जब हालात बिगड़े थे तो सचिन पायलट और कांग्रेस के नेता फल फ्रूट लेकर पहुंच गए थे अस्पताल में। कांग्रेस ने बिल्कुल फल फ्रूट लेकर पहुंचना अलग बात है, लेकिन इस्तीफा मांगना अलग, इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। आज अगर चिकित्सा मंत्री दूसरा आ जाएगा, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी नहीं। मेरी मांग यह है कि जी, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी नहीं, विवेक आए अभी कांग्रेस तो लुप्तप्राय हो चुकी है, वो क्या विरोध प्रदर्शन करेगी? इसमें कहां सड़क पर उतरने का मामला आता है? सरकार को विवेक से, इनका विवेक मर चुका है। और ठीक है सर्वेश्वर जी ये तो बड़ा अच्छा है सर, केवल राज सर्वेश्वर गौर जी, प्रदेश की जनता के दर्द से, प्रदेश की जनता के दर्द से भाकर जी, ये तो आपके लिए अच्छी बात है सर, ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि विपक्ष कमजोर है, हम चाहते हैं और हो सकता है विपक्ष कमजोर है इसलिए लापरवाह है, ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। सर्वेश्वर गौर जी प्रदेश की जनता का दुख दर्द समझ नहीं रहे सर? सवाल मेरा जरा सुन लेंगे तो
मुझे लगता है कि फाइनल कमेंट आप दे पाएंगे कि ये जो हठधर्मिता है आप में किसकी आपको किसकी ज्यादा लग रही है, सरकार की? ये तो काला कानून ला रही थी, जबरदस्त हर जगह ऐसा लगा रहे हैं। आपको डॉक्टर्स की गलती नजर नहीं आती जो मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन करते हैं? जब नहीं सुनेगा, जब बच्चे आदेश का उल्लंघन करते हैं, दूध नहीं पिलाएगी तो रोएगा, ये सीधा है। और भगवान राम जिसको अपन मर्यादा पुरुषोत्तम समझते थे उन्होंने भी कहा था। सर आपके मुताबिक तो फिर पान सिंह तोमर भी सही होंगे, मतलब फिर तो वही तर्क लगाया जा सकता है सर इसमें। महेश सैनी जी, सर ये जो व्यवस्था बिगड़ती है ये एक दिन में तो बिगड़ती नहीं, मतलब धीरे 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 चलती है, अचानक बिगड़ जाती है। अचानक भी नहीं कहूंगा, पहले कह दिया था इन्होंने कि 6 तारीख को इस्तीफा दे देंगे, कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर जमीन पर व्यवस्था बिगड़ गई, त्राही माम हो गया, जनता दर दर भटकने लग गई। फिर मंत्री जी कहते हैं कि चलिए टेबल टॉक कर लेते हैं, डॉक्टर्स वहां से छिटक जाते हैं, कोई समाधान चाहता है आपकी नजर में? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही कहना है कि जब जब भी कर्मचारी संघ सरकार को रिटिन में लिखित में चेतावनी देता है, शांतिपूर्वक तरीके से बात को रखता है, उसके बाद में थोड़ा सा आक्रोशित होता है, उसी दौरान अगर सरकार उस कर्मचारी संघ से मिलके और वार्ता कर ली जाए कि आपकी ये बातें बिल्कुल ना जाई जाए और हम आपके खिलाफ FIR दायर कराएंगे, FIR लगाएंगे अगर आपने ऐसा किया। आप तो इनडायरेक्टली सर ये कह रहे हैं कि सरकार पहले लापरवाह होती है, विभाग पहले लापरवाह होते हैं, फिर विभाग की व्यवस्था जब बिगड़ती है बिल्कुल परवाह होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस चीज में मैं आपको एक कर्मचारी होने के नाते इतना भी बताऊंगा कि इसमें कर्मचारी की भी गलती होती है और सरकार की भी गलती होती है, लेकिन गलती समझने का जो मुख्य आगे कदम रखने का काम सरकार का होना चाहिए। ठीक है भाकर जी, क्या वाकई में हर बार यही आएगा, देर आए दुरुस्त आए? देखिए ऐसा कुछ नहीं, हमारी सरकार राजस्थान की जनता को एक बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कटिबद्ध है, और ये प्रतिबद्धता हमारी आपको दिखती है हमारे कार्यों में, और आने वाले समय चार साल निकल गए हैं सर उसी इंतजार में। नहीं नहीं, बिग फाइट लाइव में फिलहाल बहुत लंबी लाइन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत जी आपका भी शुक्रिया, सर्वेश्वर जी आपका भी, और महेश सैनी जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई में एक सपना था, एक ख्वाब था कि आदर्श चिकित्सा व्यवस्थाएं राजस्थान में मिल जाए, लेकिन अफसोस धरना प्रदर्शन महत्वाकांक्षा हठधर्मिता ये सब वो चीजें हैं जिसका समाधान निकलता नहीं, और जमीन पर जनता त्राहिमाम होती नजर आती है और कईयों की जानें भी चली जाती हैं।